एसएफआई ने विश्वविद्यालय में ईआरपी सिस्टम की खामियों के खिलाफ बिग पैटल पर किया धरना प्रदर्शन, 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की शुरू। एचपीओ सचिव सुरजीत ने बताया कि जो यूजी का प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम आया है उसके अंदर काफी खामियां हैं, जिसके चलते पूरे प्रदेश के अंदर 80% छात्रों का रिजल्ट खराब आया है। इसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन है और विश्वविद्यालय के अंदर ईआरपी सिस्टम के चलते इस तरह का परीक्षा परिणाम सामने आया है, जिसके चलते छात्रों को मानसिक दौर से गुजरना पड़ रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुरजीत है और मैं एसएफआई एचपी कैंपस सेक्रेटरी हूं। आज हम धरने प्रदर्शन के माध्यम से हमारी जो सांकेतिक हड़ताल है 24 घंटे की, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो शुरुआत क्यों करनी पड़ रही है, क्यों है, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि हमें आज एक हड़ताल यहाँ पे करनी पड़ रही है, इसके पीछे जो हमारे यूजी का रिजल्ट आया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले यूजी का रिजल्ट आता है और उसके अंदर लगभग 85% जो स्टूडेंट हैं वो फेल हैं। और वो फेल क्यों हैं, अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो हर एक कॉलेजेस के अंदर आज जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज जो कॉलेजेस के अंदर एक एक स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी आने के लिए आमादा है, वो यहाँ की जो अथॉरिटी है उसको घेरने का प्रयास कर रहा है, वो मजबूर है। वो मजबूर क्यों है, क्योंकि हम अगर बात करें कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आज जो स्टूडेंट है वो सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा है, वहाँ से हमें एक चीज़ बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है वही स्टूडेंट इस तरह की बात जो कर सकता है। जब हम बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद हमें जो परिणाम नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हम हताश होते हैं। एक अपील हम छात्रों से करना चाहते हैं यहाँ से आपके चैनलों के माध्यम से, कि इस तरह की जो गतिविधियाँ उनको ना करें, अपनी जो जान देने के लिए आमादा ना वहाँ पर ना हो। दूसरा, ये हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है, जो स्टूडेंट फेल है इसके अंदर हम देखें तो ईआरपी सिस्टम 2013 के अंदर इस हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया जाता है और उसके बाद ही जो दिक्कतें हैं वो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही हैं। अगर हम आने थे जिसके अंदर उन्हें ऑनलाइन पेपर चेक करने थे वो उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं। तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है डाटा, जो ऑनलाइन पेपर अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें सबसे जो नेसेसिटी है वो डाटा है, लेकिन अब डाटा जब प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, ईमेल के ऊपर अध्यापकों को पेपर चेक करने के लिए भेजे जा रहे हैं, तो अध्यापक क्या कर रहे हैं, फ़ोन के अंदर उस पेपर को चेक करने के लिए मजबूर हैं। जिसकी वजह से अगर हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति की हम बात करें, पांगी, लाहौल स्पीति जैसे कॉलेजेस हैं जहाँ नेट की कनेक्टिविटी जो है वो 0% के अगर हम बोले तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। हमारी मांग ये है कि अगर आप पहले तो जो ऑनलाइन एग्जाम जो चेकिंग करवाई जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस है वो साफ तौर पर ये कहता है कि जो पेपर हैं वो ऑफलाइन चेक होंगे और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस चेक होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अपने चाहितों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पे ईआरपी बुलाया जाता है और वहाँ पे ईआरपी के तहत सारे के सारे एग्जाम चेक करवाए जा रहे हैं। हम जो ऑनलाइन पेपर चेक हुए हैं, जो रिजल्ट खराब आया है, उसके अंदर हम साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि जब तक रिवेल्यूशन की जो फीस है उसको बिल्कुल माफ़ किया जाना चाहिए। एफसी की मीटिंग जल्द से जल्द कंडक्ट करवाई जानी चाहिए। दूसरा, जो स्टूडेंट रिवेल्यूशन का फॉर्म भर रहे हैं उन्हें जब तक रिवेल का हमारा रिजल्ट नहीं आता है तब तक उन्हें सेकेंड के अंदर जो कंडीशनल तौर पे बैठने देना चाहिए अंडरटेकिंग स्टूडेंट से लेते हुए। लेकिन अगर हम कंडीशनल तौर पे बात करें तो संजोली जैसे कॉलेज के अंदर उन वहां के जो प्रिंसिपल हैं वहां पे स्टूडेंट को ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, इस तरह की स्टेटमेंट वहां के प्रिंसिपल द्वारा दी जा रही है। इसलिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह की नोटिफिकेशन एक जारी की जाए कि स्टूडेंट्स को उस कॉलेज के अंदर एडमिशन जो है वो दी जाए, सेकंड ईयर के अंदर उनको तब तक बिठाया जाए जब तक उनका रिवेल्यूशन का रिजल्ट नहीं आ जाता है। आज हम एक सांकेतिक हड़ताल यहाँ से कर रहे हैं। अगर इस हड़ताल के माध्यम से भी हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं